वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत पाकिस्तान मैच आज खेला जाएगा। मैच की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल की वापसी हुई है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में वापसी की है, उन्होंने ईशान किशन की जगह ली है। शुभमन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआती 2 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल सके थे। उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले डेंगू हो गया था, जिससे रिकवर करने में उन्हें 8 से 10 दिन का समय लग गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच से पहले बॉलीवुड सिंगर्स की परफॉर्मेंस हुई, हालांकि इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो चलिए एक नजर भारत के प्लेइंग 11 पे डालते हैं। तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो कि टीम के कप्तान होंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम में होंगे। इस वर्ल्ड कप में भारत से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उनके नाम 140 रन है। वहीं बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में फकर जमान को बैठाकर अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया था। शफीक ने सेंचुरी लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। वहीं दूसरे ओपनर इमाम उल हक फ्लॉप हो गए थे, ऐसे में टीम इमाम की जगह फकर को मौका दे सकती है। इसके अलावा प्लेइंग 11 में किसी और तरह के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 199 रन बनाए हैं, वहीं हसन अली के नाम टीम में सबसे ज्यादा 6 विकेट है। भारत और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अपना अपना तीसरा मैच खेलेगा। भारत ने पहले मैच में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहीं दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपने दोनों शुरुआती मैच जीता है, उसने पहले मैच में नीदरलैंड और दूसरे मैच में श्रीलंका को हराया था। पिछले 5 वनडे में से 4 में जीत मिली है भारत को, केवल 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान को 5 में से 3 में जीत और 2 में हार मिली है। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 7 मैच खेले गए हैं और सभी में मेजबान टीम को जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच अब तक 134 वनडे खेले गए हैं, जिनमें 56 भारत और 73 पाकिस्तान ने जीते हैं, वहीं 5 मैच बेनतीजा रहा है। वहीं भारत में अब तक दोनों टीमों के बीच 30 वनडे खेले गए हैं, 19 में पाकिस्तान और महज 11 में भारत को जीत मिल सकी है। एक बार फिर से बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत पाकिस्तान मैच आज खेला जाएगा। मैच की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल की वापसी हुई है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में वापसी की है, उन्होंने ईशान किशन की जगह ली है। शुभमन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआती 2 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल सके थे। उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले डेंगू हो गया था, जिससे रिकवर करने में उन्हें 8 से 10 दिन का समय लग गया।